टू माई चैनल फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपने फेस पे एक साथ दो फेस पैक अप्लाई करने वाली हूँ एंड देखेंगे कि कौन सा फेस पैक है वो बेस्ट है एंड इफेक्टिव है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों फेस पैक मैंने रेडी कर लिया है। जो सबसे पहला फेस पैक है, यहाँ पे नीम फेस पैक लिया है एंड यहाँ पे सेकंड ले रखा है मैंने यहाँ पे मुल्तानी फेस पैक। जो नीम फेस पैक है वो नॉर्मल मैंने यहाँ पे हिमालय का नीम फेस पैक लिया है और यहाँ पे जो मुल्तानी फेस पैक है यहाँ पे मैंने इसको होममेड बनाया है। एंड अगर आप इन दोनों पे सेपरेट अलग अलग वीडियोज देखना चाहते हैं, इसका रिव्यू, इसका डेमो, सब कुछ, तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि कैसे मुल्तानी फेस पैक बनता है एंड नीम फेस पैक कितना इफेक्टिव होता है। तो ये दोनों चीजों के मैं अलग अलग वीडियोस आपके लिए डाल दूंगी, मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अब बात कर लेते इस वीडियो की। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ये जो हमारा एक्सपीरियंस है ये कैसा रहने वाला है। तो देख सकते हैं हेयर्स को मैंने इस तरीके से ऊपर टक कर लिया है एंड फेस ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे अपना क्लियर कर लिया है। अब आप बोलोगे लिपस्टिक तो है, बट मुझे लिपस्टिक में थोड़ा लगाना है, तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक एंड आई एरिया छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने अपना पूरा फेस क्लियर कर दिया। एक साइड मैं यहाँ पे नीम फेस पैक यूज करूंगी और एक साइड यूज करूंगी मैं मुल्तानी फेस पैक। अप्लाई कर दिया इस तरफ नीम फेस पैक एंड इस तरफ मैंने यूज कर लिया मुल्तानी फेस पैक। तो अब बारी आती है चेक करने की कि कितना ज्यादा कौन सा वाला इफेक्टिव है। तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन जल्दी ड्राई होता है एंड सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन से होने वाला है। तो मैं इसको ड्राई होने देती हूँ। तो गाइस वापस आ चुकी हूँ, देख सकते हो कि मेरा जो फेस पैक था ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, इस साइड भी पूरा हो चुका है, इस साइड भी हो चुका है। करना है मैं क्या करने वाली हूँ, एक मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया और बाउल ले लिया, इसको मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे करके अप्लाई करूंगी पहले। बट मुझे ऐसा लगता है ना ये इस तरीके से क्लीन नहीं होगा, तो मैं क्या करती हूँ पहले अच्छे तरीके से फेस वॉश करती हूँ, फिर वहीं पे इस तरीके से स्क्रब करती हूँ और उसके बाद क्लीन करने के बाद आपसे फेस वॉश करके मैं आ चुकी हूँ। देख सकते हो आप मेरा दोनों साइड का फेस, ये इस साइड का एंड ये इस साइड का है। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी तो मम्मा से पूछा, मम्मा से पूछने के बाद मम्मा ने कहा कि मुझे राइट साइड ज्यादा फर्क पड़ा, यानी कि नीम फेस पैक सही लगा। और भाई से पूछा तो उसने कहा लेफ्ट साइड का सही लग रहा है मुझे मुल्तानी। तो मैं कंफ्यूज हुई, मैं भी मिरर लेकर बैठ गई एंड मैं देखने लगी कि किस में ज्यादा फर्क है। तो मुझे जब मैंने सीरियसली बता रही हूँ, मुझे कोई ऐसे ज्यादा फर्क नहीं लगा। अब ये सिचुएशन आ जाती है कि अब इंसान यूज करे क्या। तो मैं आपको बता दूं, इफ यू हैव ऑयली स्किन तो हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप पहले नीम फेस पैक यूज करें, क्योंकि अपनी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, दूसरी चीज पिंपल्स, ये स्कैच मार्क्स को दूर रखता है एंड आपकी स्किन में से आपको ऑयल फ्री बनाता है एंड स्वेटिंग को दूर रखता है। अगर स्वेटिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपके पिंपल्स भी नहीं होंगे। इसके साथ मैं आपको मुल्तानी फेस पैक का बताऊं, उसकी क्वालिटीज ये है कि आपकी स्किन को टाइटिंग बनाने का काम करता है एंड स्किन को ग्रो करने का काम करता है, क्योंकि इसमें भी हमने लेमन वगैरह यूज किया होता है तो वो भी हमारे पिंपल्स को रिमूव करने का भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अब इसमें एक अच्छी बात ये है मुल्तानी फेस पैक में ये कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे फेस पैक को यूज कर सकते हो बिफोर स्टार्टिंग योर डे। तो रेगुलर बेसिस पे आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसी के जगह पे आप अगर हिमालय नीम फेस पैक यूज करते हो तो उसको सिर्फ आपको वीक में दो बार ही यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज है रेगुलर फेस पे यूज करने के लिए नहीं होती है। ये तो रहा डिफरेंस। तो ये बताऊं, जब मैंने इसको अप्लाई किया था तो ये कम टाइम टेकिंग ले रहा था, मुल्तानी फेस पैक कम टाइम लेता है ये नीम फेस पैक, इसको थोड़ा ड्राई होने में टाइम लगा। और मैंने जब इसको अप्लाई किया था मुझे इस वाले एरिया में तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बट मैंने जब ये वाला यूज किया था नीम फेस पैक तो उसमें मैं ये नोटिस कर रही थी कि मेरी स्किन ये थोड़ी ज्यादा ना मुझे गर्म गर्म फील हो रही है, क्योंकि नीम वगैरह ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिससे थोड़ा सा ना स्किन थोड़ी होती है, बट वो तो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है कि किस तरीके से आपको रिजल्ट दे। मैं आपको बता दूं कि दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा बेस्ट है, किसी को भी हम ऊपर नीचे नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि उसका नीम फेस पैक का जो वर्क करने का तरीका है वो अलग है एंड जो यहाँ पे मुल्तानी फेस पैक है उसको यूज करने का तरीका अलग है। तो वो भी हमें बहुत सारे गुण दे रहा है और ये भी बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज के साथ हमको वर्क कर रहा है, कोई पिंपल्स रिमूव कर रहे हैं, तो कोई हमारे स्किन से डेड सेल्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुल्तानी फेस पैक डेड सेल्स रिमूव करने का भी बहुत अच्छा काम करता है। इन दोनों में कुछ ऐसी सिमिलैरिटी नहीं थी कि मेरे को पैक में कुछ अलग ही नजर आया हो कि ये साइड बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, दोनों सिमिलर दिखे मुझे। एंड अब फाइनल ये बात करें कि कौन सा यूज करना चाहिए, तो दोनों के टर्म्स कंडीशंस अलग हैं, आपको जिस तरीके की आपके फेस को लेकर सिचुएशंस हो रही है आप वैसा यूज करो। अगर आपको स्किन अपनी ग्लो टाइटन करनी है तो आप मुल्तानी फेस पैक यूज कर लो। अगर आपकी स्किन में पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्किन स्वेटिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, तो आप वहां पर नीम फेस पैक यूज कर सकते हैं। तो ये तो दोनों मेरा डिफरेंस बता दिया, बट आप गाइज मुझे ये बताइएगा कि आपको कौन सा वाला साइड ऐसा लगा मेरे फेस पे कि कौन सा वाला ज्यादा ग्लो कर रहा है। ये वाला राइट साइड वाला है मेरा यहाँ पे नीम फेस पैक का एंड लेफ्ट साइड वाला था मेरा मुल्तानी फेस पैक। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा आपको रिजल्ट लग रहा है मेरे फेस पे।
अब मैं बता दूं कि आपको अगर नीम फेस पैक या फिर आपको मुल्तानी फेस पैक कैसे बनाते हैं, ये सारी वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगी। जो लेना नहीं चाहता है घर पे, इसको बनाना चाहता है, तो वो इस तरीके से भी घर पे बना के अपने फेस पे अप्लाई कर सकता है। तो गाइज होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। गाइज लास्ट यही है कि आपको जिस तरीके से अपने फेस को लेके प्रॉब्लम सफर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप उस फेस पैक को यूज करो। बहुत सारे फॉर्मुलेशन होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत अच्छा वर्क देते हैं, बट ये फर्क पड़ता है कि आप अपनी स्किन से उस टाइम पर क्या चाह रहे हो। तो गाइज मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।